दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ KTM की ड्यूक 200 जो कि लेटेस्ट मॉडल है, 2023 मॉडल है। इसमें काफी सारे यूजफुल अपडेट हुए हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हम इसकी बात कर लेते हैं, डिटेल से रिव्यू करने वाला हूँ इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में। वेरिएंट की बात करें तो आपको एक देखने को मिल जाता है, कलर ऑप्शन आपको और भी देखने को मिल जाते हैं। इसकी ऑन रोड प्राइस मुंबई की आपको पड़ने वाली है 2,33,000 रुपये। इसकी 4,000 प्राइस इंक्रीज हो चुकी है ओल्ड वाले मॉडल से। और इसमें मेन अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, सबसे पहला एंड सबसे बड़ा अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है इसके हेडलाइट में। दोस्तों हेडलाइट देखो, अभी आपको हेडलाइट पूरी तरह से चेंज देखने को मिलने वाली है। अभी आपको इसमें मिल जाएगी LED हेडलाइट, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे इसके DRL जो कि LED रहने वाले हैं। LED हेडलाइट आपको मिल जाएगी, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ। इसलिए साइड स्टैंड लगा है तो ये बाइक ऑन नहीं होगी, साइड स्टैंड हटाना पड़ेगा, तो हटा देता हूँ मैं। और अभी मैं ऑन कर लेता हूँ इसको। ये देखो हेडलाइट ऑन होने के बाद कुछ ऐसे देखेगी, बहुत अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है रात के समय में। तो बहुत बड़ा अपडेट हुआ है हेडलाइट को लेके। इंडिकेटर देख लेते हैं, इंडिकेटर आपको मिलने वाला है LED जो कि कुछ ऐसा दिखने वाला है। पहले वाला इंडिकेटर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। और इसका साउंड मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट साउंड। तो दोस्तों आप सुन लो इसका एग्जॉस्ट साउंड, अंडर वेले एग्जॉस्ट आपको इसमें मिल जाता है, ऐसा कुछ साउंड रहने वाला है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और बाइक को मैं ऑफ कर देता हूँ और साइड स्टैंड पे लगा देता हूँ और आ जाते हैं फ्रंट से। तो ओवरऑल ये बाइक फ्रंट से कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। मिरर की बात करें, यहाँ पे आपको KTM की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, डिटेल वर्क काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। और आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे, USD फोक सस्पेंशन मिल जाएंगे जो कि WP के रहने वाले हैं। रिफ्लेक्टर आपको दोनों तरफ मिलने वाला है, मडगार्ड आप देख सकते हो, तो काफ़ी स्टाइलिस आपको मिल जाएगा। डुअल टोन कलर में आपको मडगार्ड देखने को मिल जाएगा। और भी बात कर लेते हैं टायर को, टायर आपको ट्यूबलेस मिल जाता है जो कि मिलने वाला है रेडियल टायर, MRF ब्रांड का रहने वाला है। टायर साइज आपको फ्रंट में मिलने वाली है 130x70 की, व्हील आपको 17 इंच की मिल जाएगी, डुअल डिस आपको मिलने वाला, साथ में आपको मिलने वाला डुअल चैनल ABS एंड बाइब्रेक आपको ब्रेक कैलिपर मिल जाएंगे जो कि बहुत अच्छा ब्रांड होता है। अभी बात कर लेते हैं इसके रियर सस्पेंशन एंड टायर को लेके। सस्पेंशन की बात करें रियर का, वो भी आपको बहुत अच्छा सस्पेंशन मिल जाएगा। आपको मिलने वाला है मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि आप देख रहे हो, ये है वाइट कलर का। एंड अगर हम टायर की बात करें, रियर का टायर आपको वाइडर देखने को मिलेगा अगर आप फ्रंट से कंपेयर करते हो तो। ये भी आपको रेडियल टायर मिल जाएगा। टायर साइज आपको मिलने वाले रियर में 150x60 सेक्शन का। व्हील की बात करें तो आपको 17 इंच की अलॉय व्हील मिल जाएगी जो कि रहने वाली है ऑरेंज कलर की, ये इनका सिग्नेचर कलर है। 17 इंच की अलॉय व्हील मिल जाएगी, डुअल डिस्क आपको मिलने वाला है, साथ में आपको डुअल चैनल ABS मिल जाएगा बाइब्रिक के ब्रेक कैलिपर। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको छोटा सा मडगार्ड एंड ये टायर अगर आपको बड़ा सा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि ये टायर अगर इस बाइक के लुक को इन्हेंस कर देता है, साथ में प्लेयर राइडर के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। एंड सीट काउल आप देख सकते हो KTM की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, ऐसा कुछ आपको ग्रेवेल का स्पेस छोड़ा गया है। और चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, प्लेयर राइडर फुटेज जो कि फोल्डेबल रहने वाला है। और ये रहा इसका फ्रेम, आपको इसमें स्प्लिट रेलिस फ्रेम देखने को मिल जाता है जो कि ट्रैक रेस पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है लाइट वेट की वजह से। और भी काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है इसके। ये रहा इसका राइडर फुटेज, गियर पैड, इधर से इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है। इंजन की बात करें, इंजन में आपको सिर्फ एक ही चेंजेस देखने को मिलने वाला है, इसे थोड़ा सा ट्यून किया गया है ताकि E20 वाला फ्यूल आसानी से सपोर्ट कर सके। और साथ में आपको OBD2 तो इस बाइक में मिल ही जाता है, ऐसे कुछ लेग गार्ड मिल जाएंगे। ये रहा इसका कूलिंग सिस्टम, आप देखो कितना बड़ा आपको रेडिएटर मिलने वाला है। आपको इसमें मिल जाता है लिक्विड कूल जो कि बहुत अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है। ये रहा इसका इंजन काउल, ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ मिलने वाला है। उधर साइड में आपको हॉर्न मिलने वाला है। सो इसके इंजन की बात करें तो आपको मिल जाएगा सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक, फोर वॉल्व, लिक्विड कूल या फाइव, साथ में आपको मिलने वाला है 6-स्पीड गियरबॉक्स। पावर एंड टॉर्क वही रहने वाले जो आपको पहले मिलता था। एंड टैंक की बात करें तो आपको ड्यूक 200 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी विद यूनिक से स्टिकर वर्क के साथ में। ये रहा इसका टैंक काउल। एंड टैंक की बात करें आपको मेटल का मिलने वाला। अभी हम देख लेते हैं इसका फुल व्यू। सो ये बाइक राइट साइड से ओवरऑल कुछ ऐसे दिखने वाली है, बहुत ही कड़क दिख रही है दोस्तों ये सिल्वर रेड कलर के स्टिकर के साथ में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग कैसी लगी। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रियर सेक्शन के बारे में। टेल लाइट आपको LED मिल जाती है, बहुत ही प्यारी सी, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाता है। सो ओवरऑल ये बाइक रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। आ जाते हैं इसके लेफ्ट साइड में, सेम स्टिकर वर्क जैसे हमने देखा था एंड ग्रैब रेल। नीचे आ जाते हैं, छोटा सा आपको सारी गार्ड मिलने वाला, लेडीज फुटरेस नहीं मिलेगा। स्पोर्ट्स बाइक है तो इसमें लेडीज फुटरेस के कोई भी चांसेस नहीं है। ये चैन कवर, चैन रेप आप देख सकते हो, क्लियर राइडर फुटरेस। और इधर से ओवरऑल बाइक कुछ ऐसे दिखेगी।
राइडर फुटरेस्ट गियर पैड गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 मिलने वाले, पहला आपका नीचे लगेगा बाकी के 5 ऊपर लगने वाले। इसमें आपको साइड स्टैंड ही मिलने वाला है, डुअल स्टैंड का कोई ऑप्शन नहीं है, साथ में आपको मिल जाएगा साइड स्टैंड या कट ऑफ सेंसर। सो ओवरऑल इधर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है, टैंक पे आपको सेम डिजाइन है, सेम स्टील का वर्क देखने को मिलने वाले हैं। नीचे आ जाओ, लेग गार्ड, ये रहा इसका इंजन का और रेडिएटर आप देख सकते हो। ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है दोस्तों, बहुत ही गजब दिख रही है ये कलर में। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना आप लोग कैसी लगी। हम बात कर लेते हैं इसके सीट एंड कम्फर्ट को लेकर। सीट की बात करें तो आपको स्पीड सीट मिल जाती है, कंफर्ट काफी अच्छा मिलने वाला है। जहाँ राइडर की बात करें, प्लेन राइडर की बात करें, लेकिन मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग राइड करते हो ज्यादातर कंफर्ट मिलने वाला राइडर को, प्लेन राइडर को सिर्फ ओके टाइप का कंफर्ट मिलने वाला। अभी हम बात कर लेते हैं फिलहाल इसके फ्यूल टैंक को लेकर। यहाँ पे आपको स्टीकर देखने को मिलने वाला है E20 का, आपको इसमें मिल जाता है E20 कैपेबल इंजन, साथ में आपको मिल जाएगा OBD2। टैंक आपको ये सब मेटल का मिलने वाला, साइड की फेयरिंग आपको 5 ओवर के साथ में मिल जाएगी एंड 2 की आपको इसमें मिलने वाली है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलने वाली 13.4 लीटर के, इसकी माइलेज आपको मिलने वाली 35 to 40 के आसपास। मीटर कंसोल हम ऑन कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़े अपडेट की जरूरत है, थोड़ा मीटर कंसोल को अपडेट कर दिए तो अच्छा होता है, लेकिन आपको वही ओल्ड वाला मीटर कंसोल मिलने वाला है जो कि रहने वाला फुली डिजिटल। यहाँ पे आपका RPM बताएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी बताने वाला है, स्पीड बताएगा, बाकी ये फ्यूल का, टेम्परेचर का, बाकी अदर इंडिकेटर यहाँ पे शो होने वाले। सेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हैंडल बार की भी हम बात कर लेते हैं फिलहाल, ये आपका टोटल हो गया। ब्रेक लीवर की सेल्फ सिंगल पीस में रेसिंग हैंडल बार मिल जाएगा एंड अपर डिपर इंडिकेटर ऑल सुन लेते हैं एंड ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। दोस्तों मेरी हाइट है 5.9 इंच, में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा फुल फिट नहीं पड़ रहा है फ्लोर पे, टो पे हूँ, हल्की सी मेरी हील जो है ऊपर है। अगर आपकी हाइट 5.6 के ऊपर है तभी आप इस बाइक को आसानी से चला सकते हो, नहीं तो बहुत ही अनकम्फर्टेबल रहने वाली है आपके लिए। और इसके अपडेट की बात करें तो आपको 2 अपडेट देखने को मिल जाते हैं E20 OBD2, साथ में आपको मिलने वाला है LED हेडलाइट जो कि बहुत बड़ा अपडेट है। फिर फ्री अपडेट हुआ, अगर कुछ और भी अपडेट होता तो उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। और यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने स्टेट का ऑन रोड टेस्ट जाना हो तो भी आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं बता दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।